इसका ये मतलब है कि वो गीत फरोश जरा दूसरे किस्म के थे और उन्होंने अपने गीत बेचे नहीं। वो तो आदरणीय विजय बहादुर जी ने कहा है आपको कि गीत बांटे, उन्होंने प्यार बांटा। और जो इस कार्यक्रम से पहले हम कुछ जो साथी आए हैं परिवार के, उनका जब परिचय हो रहा था तो मैं आप सब की तरफ देख रहा था कि कई बार तो हम परिवार के लोग उनके व्यापक परिवार के लोगों से छोटे पड़ जाते हैं। इतना बड़ा उनका परिवार था और उसके साथ जो उनके आत्मीय संबंध थे वो उन्होंने हम लोगों को जिस तरह से दिए, शायद कोई पैसा नहीं छोड़ गए, कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ गए, लेकिन बहुत बड़ा संसार छोड़ गए और वो सब आप लोग हैं। इसलिए उनका बड़ा परिवार हम भूले नहीं। जिस प्रसिद्ध कविता को आदरणीय विजय बहादुर जी ने भी कोट किया, जिस तरह हम बोलते हैं, उसमें एक पंक्ति है, हो विशद विस्तार चाहे एक घेरा हो, कि दो बिल्कुल उल्टी बातें कह रहे हैं, विस्तार भी और घेरा भी, घेरा इतना बड़ा बनाओ कि उसमें सब आ जाए। तो उन्होंने घेरा बनाया, दीवार बनाई, लेकिन उसके कितने सारे दरवाजे और वो कितना बड़ा घेरा बनाया कि उसमें से आज हम लोग जहाँ जाते हैं उनके परिवार के लोग हमको मिल ही जाते हैं। तो आप सब परिवार के लोग हैं, आप सबको एक बार प्रणाम करके मैं दो तीन छोटी छोटी चीज़ें कहना चाहूँगा। मुझे काम तो इन्होंने सौंपा है संस्मरण बताने का, लेकिन मैं पहले ही आपको बताऊं कि हम सब परिवार के लोगों का ऐसा कोई संस्मरण नहीं जो विलक्षण हो, क्योंकि मन्ना ने, मौका मिला तो बताऊंगा भी कि उनका ये नाम कैसे पड़ा, नहीं तो पिता, बाबू, काका, बाबूजी, ऐसे नाम उस दौर में होते थे। भाषा को बिगाड़ने का पाप जिन शब्दों पर लगता है, पापा वगैरह, वैसे नाम तब चले उस दौर में, लेकिन बाकी कई नाम चले थे। उन सब से भी कैसे परे हो के गए वो मौका लगेगा तो देखेंगे। लेकिन जब ये शताब्दी वर्ष आने लगा 2012 29 मार्च, तो शायद 12 या 15 मार्च को हमारे किसी पत्रकार मित्र ने फोन करके कहा कि अगले साल कई कवियों की शताब्दी आने वाली है और उसमें शायद तुम्हारे पिताजी की भी होगी। तो मैंने उनको कहा कि भाई हम लोगों ने तो कोई संगठन वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन आपको सिर्फ तारीख सही कर देना हमारा एक जिम्मेदारी है। तो अगले हफ्ते जो 29 मार्च आएगी उससे उनका शताब्दी वर्ष शुरू होगा। तो उनका, अरे तुमने पहले नहीं बताया, तुमने कुछ किया नहीं, अब तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा नहीं, कोई मजबूरी है, मत करो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 29 मार्च 2012 से जो काम शुरू हुआ वो 29 मार्च 13 को रायपुर में ख़त्म हुआ और उस कार्यक्रम का नाम रायपुर वालों ने रखा। पहले सबसे अंतिम कार्यक्रम का ही मैं जिक्र कर दूँ, जैसे आज का शीर्षक है एक गीत फरोश की आत्मी याद, उसका उन्होंने नाम रखा भवानी प्रसाद मिश्र शताब्दी अनंत, अंत नहीं रखा। और मैंने वहाँ भी, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला तो मैंने ज़्यादातर तो उस अनंत के बारे में ही बातचीत की। और फिर मैंने देखा कि मार्च के बाद अप्रैल में पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, फिर अंडमान निकोबार में हुआ, तो लोगों ने इसको एक वर्ष तक सीमित नहीं किया और उसको इतना आगे बढ़ा दिया। तो ये जो विशद विस्तार है वो एक अलग प्रसंग है और जो मेरा काम नहीं है वो भी मैं कभी कभी तो कर ही सकता हूँ। पहला जो कार्यक्रम हुआ वो रेडियो स्टेशन ने किया, वो कभी रेडियो स्टेशन में भी नौकर थे, पहले बम्बई, फिर दिल्ली और उसके बाद संपूर्ण गांधी वांग्मय में आए। उसमें बाकायदा माइक से अनाउंस हुआ कि आप भवानी प्रसाद जी के स्वर में उनका एक कविता पाठ, और जैसे ही बटन दबाया उन्होंने तो जो आवाज़ आई, सामने जितने लोग बैठे थे, जितने आज आप लोग बैठे हैं, सबने हाथ उठाकर ऐसा ऐसा कहा, ये उनकी आवाज़ नहीं है। यानी इतने सब लोग उनकी आवाज़ पहचानते थे, उन्होंने उनको निजी तौर पर सुना होगा।
और रेडियो स्टेशन अपने आर्काइव में से उन पर टेप निकाल के, ये कोई उनकी आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लोगों का प्यार कितना कि एक भी हाथ ऐसा नहीं था, सब ने कहा कि ये उनकी आवाज़ नहीं, आवाज़। मैंने अनुरोध किया कि भाई अब जब बजी रहा है गाना तो आप पूरा सुन लो, किसी की भी आवाज़ में हो, कविता तो उनकी है, तो वो पूरा हुआ। पूरे शताब्दी वर्ष के दौरान कोई 47-47 कार्यक्रम हुए होंगे, अलग अलग लोगों ने, कुछ ने हमको खबर की, कुछ ने नहीं भी की, ये भी बड़ी अच्छी बात कि तुम कौन होते हो कि तुमको खबर करें, केवल तुम्हारे पिताजी थोड़ी हैं, हम सबके भी कुछ हैं वो। तो इस तरह करके बहुत सारी जगह, अभी शायद अगले हफ्ते कोचिंग में हो रहा है, और वो भी वहाँ के विश्वविद्यालय में नहीं, कोई टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है कोचिंग में, वहाँ कौन उनके कविता के भक्त और प्रशंसक, तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे एक वर्ष के दौरान, पिछले महीने जो पटना में हुआ, उन्होंने शायद 41 मिनट का वीडियो कहीं से इकट्ठा करके रिलीज किया। इससे पहले पूरे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में न तो उनकी आवाज़ सुनी गई और न उनकी छवि देखी गई। हमारे पास भी घर में, संग्रह में, उनकी एक मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं है और कोई वीडियो नहीं है। जो मैंने आपसे कहा कि कहने लायक कोई संस्मरण नहीं, क्योंकि एक साधारण परिवार में जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं और जिस तरह से उनको बताते हैं कि ये दुनिया बहुत असाधारण है, हम लोग उसमें साधारण बन के कैसे जिंदा रह सकते हैं, हमें कोई बहुत असाधारण काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसी दौर में से निकले। इसलिए उन्होंने हमें कभी इस तरह से कोई काम नहीं सौंपा कि आज मैं कविता पढ़ रहा हूँ तो ज़रा रिकॉर्ड कर लो, आज मेरे कुछ चित्र खींच लो। मैं फोटोग्राफर छोटा मोटा था, चित्र वगैरह खींचता था। श्रवण साथ बैठे हैं, श्रवण भाई, हम दोनों ने एक साथ शायद कैमरा लिया और कुछ काम शुरू किया, हम लोग पड़ोसी भी थे और कुल मिला के साधारण ठीक कैमरा था। जब कहीं यात्रा से लौटते थे, आप आजकल का ज़माना तो डिजिटल है, आप लोगों को तो उसका, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ होगा, कुछ नई पीढ़ी को बिल्कुल नहीं होगा, तो एक दो फ्रेम बच जाते थे, तो उनसे मैं कहता था कि एक चित्र खींच लूँ क्योंकि मुझे धुलने भेजना है फिल्म, और एक बचा हुआ है, तो वो बहुत ही बेमन से उसकी इजाज़त देते थे। और मैं इस बहाने खींचता था, और बहाने भी नहीं, मेरे मन में भी कोई मोह नहीं था कि पिताजी के चार चित्र अपने संग्रह में होने चाहिए, कभी उन्होंने इस तरह की डाली नहीं। तो शायद अब तो क्या 24 घंटे के चैनल चलते हैं, और शायद 200-300-800 कितने चैनल हैं अब तो, अनगिनत। उस समय टेलीविज़न हमारे देश में आने वाला था, उसका एक दिन भी तय हो गया था। विजय बहादुर जी हैं, वो पूरी कविता कभी ढूंढ के आपके सामने रखेंगे। उनकी एक कविता है, शब्दों को मिला रूप, तो उस कविता से टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ था। बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कि ये जो टेलीविज़न आज हमारे घर में लगा है, वो जब पहली बार ऑन हुआ तो पिताजी की ये कविता थी मन्ना की, कि ये जो शब्द है इनको एक रूप मिला। उससे पहले आकाशवाणी थी, केवल शब्द हम सुन सकते थे, रूप नहीं देख सकते थे। तो ये जो उनकी एक छोटी सी कविता किसी सरकारी अधिकारी के ध्यान में आई होगी, और थोड़े उदार लोग रहे होंगे कि कवि से भी क्यों नहीं टेलीविज़न की शुरुआत हो, बाद में तो कोई ना कोई नेतृत्व का बड़ा नाम आया होगा, लेकिन पहले ये कविता पढ़ी गई और फिर बाद में उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। तो जो निराकार शब्द थे उनको किस तरह से रूप मिल सकता है, वो हमने उनके शताब्दी वर्ष के पूरे समारोह में देखा कि न तो उनकी आवाज़ है, न तो उनके चित्र हैं, लेकिन सब लोग कुछ न कुछ करने में लगे हैं। इसलिए आज का ये आयोजन बाकी सब आयोजनों से बिल्कुल अलग है कि इसमें हम लोग थोड़ी ही देर में उनके चित्र भी देखने वाले हैं, उनकी आवाज़ में एक कविता सुन ही चुके हैं। एक छोटा सा प्रसंग मैं अपनी सीमा तोड़ के कहना चाहूँगा। आदरणीय विजय बहादुर जी ने तो सब उनकी तुलना आलोचना वो सब किया है,
और उनका ये काम बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन शायद पिताजी के ही कारण हम लोगों का स्वभाव थोड़ा सा अलग हुआ। हमें लगता है कि कवि के जाने के तुरंत बाद उनका मूल्यांकन ना भी करें तो चलता है, थोड़ा धीरज रखें, 20, 50, 100 साल बीत जाने दें, जिन्होंने उनको देखा और सुना वो पीढ़ी निकल भी जाने दें। तो एक जो बड़ी अच्छे से इन्होंने उनकी कविता सुनाई, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख में, ये हम और तू कौन है, उसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के कहना चाहूँगा कि वो हम पर छोड़ दीजिए कि तूने ठीक लिखा कि नहीं लिखा और तू हमसे बड़ा दिखा कि नहीं दिखा। क्योंकि अगर हम इसकी जिम्मेदारी अभी लेंगे तो अक्सर इसके दो भाग होते हैं। एक होता है उस व्यक्ति से, उस कवि से, उस चित्रकार से, उस समाज सेवक से प्रेम करने वाला, तो प्रेम तो भाई हमेशा ये कहा ही है कि अंधा होता है, उससे तो आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई उसको तोल ताल के बराबर करेगा। मोह है, प्रेम है, स्नेह भी है, श्रद्धा भी है, इन सब से कवि और चित्रकार और बाकी चीज़ों को तोलना कठिन। दूसरा पक्ष विरोध, सीधे सीधे मत का अंतर है, आप प्रगतिशील हैं कि नहीं है, कविता को नहीं देखना, तो ये सब चीज़ें, फिर उसमें विरोध में घृणा भी आ जाती है, ईर्ष्या भी आ जाती है, होड़ भी आ जाती है। इन्होंने आदरणीय विजय बहादुर जी ने कहा कि गाली वाले प्रसंग में कि आगे बढ़ना नहीं है और किसी के पीछे नहीं चलना है, तो वो होड़ में भी मूल्यांकन वगैरह बहुत दब जाते हैं। इसलिए फिलहाल हम कवि को छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा कहने के बदले समाज के ऊपर छोड़ दें, हम के ऊपर छोड़ दें कि वो हमको फैसला कब सुनाता है। कई बार पूरी जिरह हो जाती है लेकिन फैसला रिजर्व कर लिया जाता है कि 15 दिन बाद सुनाएंगे, तो हो सकता है 30 साल बाद कोई फैसला सुनाए, इतना धीरज हम लोगों को रखना चाहिए। और ये जो समय की तराजू है वो कवि को जिन बाटों से तोलती है वो फिर विचारधारा के बाट नहीं होते, वो संघ के नहीं होते, वो संघ के होते, संघ यानी इस कवि ने हमारा साथ दिया कि नहीं, दुख में साथ दिया कि नहीं, सुख में साथ दिया कि नहीं, हम परेशान थे तो इसकी कविता पर हम कंधा रखकर कुछ आराम पा सके कि नहीं, ये सब उसके बाट हैं और ये बहुत धीरे धीरे तोलता है। इसलिए समय की इस झाड़ू पर या तराजू पर हमें ये सब चुपचाप कुछ समय के लिए छोड़ना चाहिए और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकालता है। शायद ये मोह भी नहीं रखना चाहिए कि समाज हरेक को याद रखे, इस समय की तो ये सबसे बड़ी होड़ है, हरेक को याद रखने लायक समाज की आज की भाषा में कहें तो जीबी है ही नहीं, मेमोरी नहीं है, और वो इसको अपग्रेड भी नहीं करना चाहता, कुछ उसने अपनी कुछ बना के रख ली होगी, वो बार बार जाके नई चीज़ें नहीं खरीदता, वो कहता है इतना बहुत है। और आप आज देखिएगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, पिछले 50 साल के बड़े नेताओं में से उसने कितनों के नाम याद रखे होंगे, कितने राष्ट्रपतियों के नाम याद रखे होंगे, कितने मुख्यमंत्रियों के प्रदेशों में नाम याद होंगे, बच्चों को बेचारों को जबरन रटना पड़े वो बात अलग, मन से कोई याद नहीं रखता चीज़ों को। इसलिए वो जो मन है वो हम बोलते वाला मन है, उस पर इसको छोड़ना चाहिए, और संघ पर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, संघ भी मर जाते हैं, बड़े से बड़े विचार को लेकर बने संघ भी अगर समाज का साथ और उसका संघ नहीं बनते तो उनको जाने में कोई देर नहीं लगती। मोटे तौर पर मेरा समय लगभग ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग उनके जीवन का ज़रूर बताता हूँ और वो इनको अच्छा भी लगेगा। विजय बहादुर जी से थोड़ा अलग जाने के बाद भी उनको लगेगा कि नहीं, ये बालक मेरे ही पास आया फिर पक्का। कभी गांधीवादी थे कि नहीं हमें नहीं मालूम,
पर मन्ना एक गांधीवादी पिता जरूर थे। हम में से कभी किसी को डांटा नहीं, हमने सब गलतियां की होंगी, ऐसा नहीं, कभी किसी को मारा नहीं, एक थप्पड़ भी नहीं मारा। शायद कोई हमसे गलती हुई तो थोड़े मौन हो गए, उससे हमको पता चला कि हमसे कुछ गलती हुई है, डांटा नहीं, ऊंचा स्वर नहीं किया। जो मैंने शुरू में कहा कि साधारण परिवार साधारण जीवन कैसे जिए, उसमें जब कभी उनको लगा कि थोड़ा ऊंचा जा सकता है कोई कदम, तो उन्होंने तुरंत खींच के उसको नीचे कर दिया, बच्चों के लिए भी। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, आज के माता पिता के लिए वो ज़रा चौंकाने वाला होगा। आज हम देखते हैं कि बच्चे कैसे अच्छे पढ़ लिख कर कितने अच्छे नौकरियों पे चले जाएं, कितना बड़ा उनको पैकेज मिले, पर पिताजी का दौर उस समय का वैसे भी सब माता पिता की तरह ही रहा होगा, लेकिन उनका कुछ और भी ज्यादा था। हम लोग बम्बई में शायद तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, साधारण स्कूल था, ठीक ठाक, और अचानक एक दिन हम लोग आए तो हमें उन्होंने कहा कि कल हम लोग सब बेमित्रा चलेंगे। बेमित्रा कहाँ है ये हमको मालूम था, क्योंकि पिताजी के बड़े भाई बेमित्रा में SDM थे। अच्छा ही लगा, स्कूल से छुट्टी मिली, बेमित्रा जाएंगे, तो जो दो चार कपड़े थे, इससे ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते थे हम लोगों के पास, और जो कुछ भी एक छोटा सा सामान, उसको बांध बूंध के माता पिता का हाथ पकड़ के, और रेल में घूमना मज़ा, ये सब उस समय में बहुत आनंद। बेमित्रा गए, दो तीन दिन रहे, फिर अचानक पता चला माँ और मन्ना बम्बई लौट रहे हैं, हम और जीजी वहीं रुकेंगे बेमित्रा में। क्यों? तब तक हमको पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि एक दिन बड़े भैया ने, यानी हमारे ताऊ जी ने, बम्बई में एक पोस्ट कार्ड लिखा पिताजी को कि मेरे सब बड़े बच्चे, बड़े होकर मेरे सब बच्चे हॉस्टल में चले गए हैं, घर बिल्कुल सूना हो गया है। पिताजी ने कहा कि ये दोनों तुम्हारे हैं, इनको मैं बम्बई से तुम्हारे पास भेज देता हूँ। बेमित्रा उस समय, शायद यहाँ पर अनूप बैठे हैं वो बता सकेंगे, 10,000 15,000 20,000 की आबादी का एक छोटा सा कस्बा था, एक स्कूल कुल पूरे कस्बे में, और उन्होंने कहा कि बड़े पिताजी का सूनापन दूर हो जाना चाहिए, इसलिए तुम लोग किलकारी मारो उनके घर में, बम्बई के स्कूल से हटा के हमको एक छोटे से गांव के स्कूल में डाल दिया। जिसको कहते हैं ना कि भविष्य देखना और ये संवारना वो संवारना, उन्होंने कहा ऐसी तैसी, बड़े भाई का मन संवारना। हम भी एक आध दिन तो रोए, एक आध दिन रोए होंगे, उसके बाद हमको बेमित्रा बहुत पसंद आया। अगले दिन क्या परिवर्तन हुआ, जो बम्बई जूता पहन के जाते थे, हम उसको चमका के जाना सिखाया था हमको, वहां हमने देखा हमारी क्लास में किसी भी बच्चे के पैर में जूता चप्पल नहीं था। उस दिन के बाद से हमने भी जूता चप्पल दूसरे दिन से स्कूल में उतार दिया। ऐसे हम लोग डेढ़ वर्ष वहाँ पर रहे, पूरा दो भी शायद नहीं हुआ, डेढ़ वर्ष रहे होंगे। वो क्या कहलाता है कि सेशन खत्म होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। अब इनको भी लगा के ठीक है, खूब किलकारी हो गई, और तब तक पिताजी बम्बई से दिल्ली आ गए। कभी कोई एक आध और वैसे ही पीला पोस्ट कार्ड आदान प्रदान हुआ होगा, तो बड़े पिताजी ने हम लोगों को कहा, बड़े भैया ने, कि कल चलो अपना सामान बांधो, तुम लोगों को दिल्ली ले चल रहे। तब हमने पहली बार फर्स्ट क्लास देखा, क्योंकि बड़े पिताजी के कोई मित्र MP थे, उनके साथ हम लोगों को उन्होंने रवाना कर दिया था, इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में नहीं देखा था। तो ये एक घटना आपको बताएगी कि कैसा पिता होता है और उसका व्यापक परिवार क्या होता है, और उसको कितना भरोसा होता है कि केवल स्कूल और शिक्षा बच्चे को नहीं बनाती या बिगाड़ती, उसके अलावा 50 और चीज़ें होती हैं। तो हम सब अगर बने हैं तो आप सबके कारण बने हैं, किसी स्कूल और शिक्षा के कारण नहीं बने। आज जैसा मैंने कहा कि कभी उनको क्रोध करते नहीं देखा, और उनकी एक छोटी सी कविता है, उसका मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन अर्थ ये है कि ऐसा कोई पतन या गड्ढा इतना गहरा नहीं होता जिसमें ये 3 अंगुल की स्नेह की उंगली जिसमें गिरे हुए को उठा ना सके।
बहुत अच्छा था वो। हमने उनको कभी किसी को डांटते नहीं, नाराज होते नहीं देखा। पर बाद बाद के दिनों में, जिसमें विजय बहादुर जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया है, उनको भी कवि की कैटेगरी में डालना, उनकी आलोचना करना वगैरह शुरू हो गया था। तो उनको कहा गया कि ये बनिए का कवि है, गांधीवादी कवि भी नहीं कहा, वणिक धर्मी। हाँ, तो वो थोड़ा उस दिन विचलित हुए। और जब आपसे कहा है तो अगला वाक्य भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि ये सब बातें अलग, समाज में मूर्ति तो कवि की ही लगती है, आलोचक की नहीं लगती। और अंत में बस मैं ये कहूँगा कि उनकी एक कविता है जिसमें एक लाइन है, जिंदगी दूध की धोई नहीं है, दूध किसी का धो भी नहीं है, आदमकद कोई नहीं है। पिताजी ने यह हम लोगों को बार बार याद दिलाया कि आदमकद एक शब्द है जिसको पाने की कोशिश करो, अपनी गलतियां ठीक करो, अपने को संवारो, लेकिन आदमकद कोई नहीं हो। धन्यवाद। वो जो सवाल था वो नागार्जुन जी से मैं कर रहा था, और वो नागार्जुन जी ने कहा था, जिसके कारण वो, हालांकि दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, और रचनावली में मैंने इसका जिक्र किया है कि नागार्जुन जी ने इस बात पर मुझे बहुत बार डांटा कि अब तुमसे भवानी भाई वाला काम होगा नहीं, तुम छोड़ दो। उन्होंने ही कहा कि भवानी भाई का क्या है, वो तो बड़ी धर्मी कवि है। लेकिन गुस्सा उनको आता था बच्चों पर नहीं, समझदारों पर, और खूब आता था, क्योंकि उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो गुस्से से भरी हुई, और उनका गुस्सा किसी भी क्रांतिकारी से कम नहीं था, ना उसकी शक्ति कम थी ना उसका तेज कम था। एक और बात जो मैं कह दूं कि ये थे वहाँ विदिशा में 74 में, जब मैंने उनको प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हमारे समय के गांधीवादी कवि हैं, जैनेन्द्र जी अध्यक्षता कर रहे थे, मई संयोजक था, तो उठे और उन्होंने वो बात पसंद नहीं की मेरी, और उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी कवि नहीं हूँ, मैं भारतीय कवि हूँ। बचपन से ही बहुत नहीं आ रही, अब आ रही। मैं स्वभाव से मूर्खता बहुत क्रोधी था, बचपन में भाई बहनों से भी बहुत लड़ता था, और स्कूल और कॉलेज में तो मार पिटाई के प्रसंग भी मेरे रहे हैं। लेकिन मैंने इस क्रोध पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है, और मैं इसमें बहुत हद तक सफल भी रहा हूँ। ये उन्होंने खुद अपने क्रोध के बारे में लिखा है, और हमने वो बचपन उनका देखा नहीं, आप सब लोगों ने भी नहीं देखा, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पिताजी स्वभाव से क्रोधी नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने बहुत मुश्किल से काबू पाया इसमें।